दोस्तों इंटरसेप्टर की अभी जो बैटरी है वो प्रॉब्लम देना शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट 3.5 साल जैसी बाइक को हो गया है, बट अब सेल्फ स्टार्ट दे रहे हैं ना, तो कभी कभी सेल्फ लेती है और या तो कभी कभी ये देखिए तो अब सेल्फ जो है वो नहीं ले पाती प्रॉपरली, एंड बैटरी जो है ऑलमोस्ट डेड जैसे हो गई। बहुत पहले से ही मैं इसको ये इशू देख रहा हूँ, ये कम से कम 1.5 हफ्ता जैसा हो गया है कि बैटरी का प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने उसको चार्ज भी किया था बैटरी को, बट मुझे लगा कि क्या पता बैटरी लो हो गई हो वो हेडलाइट या फिर फॉग लाइट की वजह से, बट ऐसा नहीं है। बैटरी जो है ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, पूरी डेड नहीं हुई है अभी, थोड़ी बोलते ना कि थोड़ा वीक जैसा हो गया बैटरी, तो इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। कौन सी बैटरी लगाऊंगा वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं फिट करने वाला हूँ एमरॉन की प्रो राइडर बैटरी, एंड दोस्तों ये ही सेम बैटरी जो है 14 AH की कंपनी भी देती थी जो BS4 मॉडल है उसमें। अब BS6 मॉडल के बाद में टायर जो है वो चेंज हो गया है, वो उसके अभी एक्साइड बैटरी का चल रहा है टायर, तो मैक्सिमम बाइक्स में जो है आपको एक्साइड देखने मिल रहा है, कुछ कुछ में ही जो है आपको एमरॉन जो है बैटरी देखने मिल रही है। अब कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि यार 14 AH की बैटरी एमरॉन की डालें या फिर एक्साइड की, क्योंकि दोनों ही ब्रांड की आती है, तो दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपके सिटी में अवेलेबल है। एक्साइड थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड है, एमरॉन थोड़ा सस्ता है, बट दोनों ही मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, एंड डिपेंड करता है आपके टोटल यूज़ के ऊपर कैसा आप यूज़ करते हैं। बैटरी को रेगुलरली अगर आप यूज़ करते रहें प्रॉपर तरीके से तो बहुत लॉन्ग लाइफ चलती है। अगर आप बाइक को प्रॉपरली नहीं यूज़ कर पा रहे, जैसे ये इंटरसेप्टर जो है मेरी उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाती बुलेट के बाद में, तो इसके लिए ही 3.5 साल में ही इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। अगर इसको मैं प्रॉपरली रेगुलरली यूज़ करता तो बैटरी इसी लंबी भी चल सकती है। तो 3 साल से 5 साल के बीच में जो है कभी बैटरी ख़राब हो जाती है नॉर्मली, एंड ये कंपनी की बैटरी थी रॉयल एनफील्ड की, इसलिए वारंटी के अंदर नहीं है, वरना 48 मंथ्स ऑलमोस्ट 4 ईयर्स की बैटरी का जो है वारंटी आता है, जिसको 2+2 कहा जाता है, 2 ईयर्स अनकंडीशनल, कोई भी हुआ तो फिर वो रिप्लेस हो जाएगा अगर बैटरी ख़राब हुई तो। एंड जो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद 2 ईयर होता है उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, आप कितना टाइम हो गया बैटरी को उस पर भी डिपेंड करता है, एंड उसके हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन लगता है। एंड बैटरी फिट करना बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, आप सामने देख ही रहे हैं, सिर्फ आपको जो है टर्मिनल को निकालना है, एक बेल्ट होगा बेल्ट को खोलना है, एंड जहाँ बेल्ट लगा हुआ है उसको एक एलन की से ओपन करके आप आराम से बैटरी जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइड दोनों ही पैनल, एक एयर फिल्टर वाला और यहाँ जहाँ टूल बॉक्स वाला, दोनों ही पैनल खोलने पड़ेंगे, सीट निकालनी पड़ेगी, दैट्स इट। इसके बाद आप जो है बैटरी टर्मिनल को ईजिली फिट कर सकते हैं। आपको एक लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इससे आप ये ईजी प्रोसेस जो है घर में भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए खुद नहीं किया बिकॉज मुझे बैटरी को वापस देना था, ठीक है, मुझे सामने जो पुरानी जो वीक बैटरी हो गई थी उसके रिप्लेसमेंट मुझे पैसा मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार रिप्लेस कर ही देते हैं, अब यहीं पे कर देते हैं, लेके आए थे, वरना घर पे आपको पूरा प्रोसेस बताता, बट प्रोसेस इतना रॉकेट साइंस वाला भी नहीं है। कोई भी नॉर्मल जो बेसिक टूल के नॉलेज रखता है ना, थोड़ा मैकेनिकल नॉलेज रखता है हल्का सा भी, तो वो ईजिली इस प्रोसेस को कर सकता है। तो आप देखिए प्रोसेस, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों बैटरी जो है फिट हो चुकी है, यहाँ से मैंने जो है फिट करवाया था, एंड ये है बैटरी का पार्ट नंबर, एमरॉन की प्रो राइडर बैटरी है। इससे पहले भी जो बैटरी इसके अंदर थी वो एमरॉन की ही थी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, एंड ये 14 एम्पीयर की बैटरी है। जिनको पार्ट नंबर देखना है वो यहाँ पर पार्ट नंबर देख सकते हैं, 48 मंथ्स की आती है, 2 ईयर्स + 2 ईयर्स बोलते हैं इसका, 2 ईयर्स गारंटी एंड 2 ईयर्स वारंटी डेप्रिसिएशन के साथ में। दोस्तों आपने देखा मैंने बैटरी जो है चेंज करा दिया है, एंड उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब जो है परफेक्टली जो है बैटरी स्टार्ट हो रही है, ये देखिए अब जो है आराम से जो है सेल्फ ले रहा है, एंड मैंने वही बैटरी लगाई है जो कंपनी द्वारा स्टॉक में आई हुई थी। ये BS4 मॉडल है,
मैंने जो है 2019 अक्टूबर के आसपास में लिया हुआ था, ऑलमोस्ट 3.5 साल से ऊपर जो है इस बाइक को हो चुका है एंड बैटरी जो है चेंज हो चुकी है। वैसे भी जो कंपनी द्वारा जो बैटरी दी जाती है वो 3 से 5 साल के बीच में जो है नॉर्मली आपको चेंज कराने की जरूरत करती है, बाकी डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हैं। मैंने इसको लद्दाख में भी यूज़ किया हुआ था एंड एक्सट्रीम कंडीशन में भी इसको राइड किया हुआ था एंड इसी की वजह से जो है मुझे लगता है कि बैटरी गई हुई है। एंड आप भी जो है सेम बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो एक्साइड का भी ऑप्शन आपके पास है, दोनों ही मैंने जो है ऑप्शन का आपको स्क्रीन में जो है दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड यहाँ वीडियो कैंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आती रहेंगी। बाय। It's not a game, it's a rage game.